ये है कलम की ताकत। आप देख रहे हैं क्रिस संदेश न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिस संदेश न्यूज। केंद्र व राज्य सरकार भले ही गांव में स्वच्छता मिशन के तहत अभियान चलाकर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त बनाने तथा अधिक से अधिक विकास कार्यों को करने का दावा कर रही है, परंतु हकीकत अभी भी कुछ और ही है। न तो गांव की सफाई व्यवस्था में सुधार आया है और न ही वर्षा से बदहाल पड़ी गाँव की गलियों का। लखवाली के निकटवर्ती ग्राम पंचायत मीनावाली के भाजपा जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई के घर के निकट गली के हालात बारिश आने के बाद बदतर हो जाते हैं। गली में आने जाने वाले लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि इस ग्राम पंचायत में लंबे समय से विकास कार्य कराने के नाम पर मात्र खवाना पूर्ति की गई है। गलियों के हालात काफी खराब है, अधिकांश मार्ग कच्चे हैं। घरों से निकलने वाले गंदे पानी की निकासी के लिए अभी तक नालियों का निर्माण भी नहीं हो पाया है। यही कारण है कि मार्गों पर गंदा पानी हर समय भरा रहता है। ग्रामीणों को गंदे पानी से होकर ही आना जाना पड़ रहा है। विशेषकर महिलाओं और बच्चों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हालांकि ग्रामवासी कई बार मार्गों का निर्माण कराने के लिए विभागीय अधिकारियों से गुहार कर चुके हैं, परंतु इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। सड़कों पर गंदा पानी भरा होने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। गौरतलब यह है कि भाजपा पार्टी के जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई के घर के निकट ही गलियों का यह हाल है, तो विकास की बात कैसे समझ में आएगी। क्योंकि जब खुद भाजपा कार्यकर्ता के घर जाने का रास्ता तक सही नहीं है, तो अन्य दूसरे गाँव के मुख्य मार्गों का क्या विकास होगा। लखवाली से रजनीश बेड़ा की रिपोर्ट।